वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर हैकर। जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से है, उसके लिए हम लेके आए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप टॉपर बनने वाले हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बीएससी सेकंड ईयर के बॉटनी का थर्ड पेपर है, बॉटनी के फर्स्ट सेकंड पहले से अपलोड कर रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां लिखा होगा हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक। आप उस पर टच करेंगे तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, आप ऊपर नीचे करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, याद कर लेना है, जो जो क्वेश्चन पर टिक लगा रहा हूं वही पढ़ना है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रो और माइक्रो तत्व जो होते हैं उनमें की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं पौधों के अंदर, ठीक है, उनकी कमी से, और वो क्या क्या भूमिका निभाते हैं पौधों में, आप ये देखेंगे। और देखो उसके बाद में आता है जल संवर्धन क्या होता है, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। जल का गुण, जल के जो गुण होते हैं, जल के गुण को याद कर लेना, जल के गुण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जल के गुण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, बाष्प उत्सर्जन दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रंध्र और एक होता है बंद रंध्र, दोनों को अच्छे तरीके से, और जल का अवशोषण किस तरीके से होता है ये देखेंगे। उसके बाद में एटीपी का निर्माण कैसे होता है, आप ये याद करेंगे। श्वसन की बात करें तो श्वसन इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्वसन आपसे पूछेगा, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक था ऑक्सीजन श्वसन, एक था अनऑक्सीजन श्वसन, दोनों को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ C3 और C4 प्लांट जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, वो क्या होते हैं, उसका चक्र क्या, वो चीज आप याद करेंगे, ठीक है। और पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं, गति हार्मोन, वृद्धि हार्मोन से बोलते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया और इथाइलिन हो गया, ये तीन हार्मोन्स है जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो पौधों के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोटीन्स की संरचना के बारे में वगैरह। और एंजाइम का वर्गीकरण दोनों पद्धति, जैसे एंजाइम को एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होता है, हाइपो एंजाइम होता है, तो उनको पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए के अंतर देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है एंजाइम के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि एंजाइम एंजाइम को एंजाइम एपो एंजाइम, ये एंजाइम के प्रकार है, ठीक है, डीएनए आरएनए की अंतर देख लेना है। और लास्ट में मुंज की परिकल्पना देखना है, और साथ में देखना है इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, और देखो CAM चक्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये CAM चक्र, इमर्सन इफेक्ट, और फोटो कह सकते हैं फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और वस्त्रीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है इसको पढ़ेंगे, कोएंजाइम को पढ़ेंगे, कोएंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑक्सीएंजाइम एंजाइम के प्रकार होते हैं, और प्रेत फिट सिद्धांत क्या होता है हम इसको पढ़ के जाएंगे। और लास्ट में आप दीप्तिकरण को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दीप्तिकरण कलिता जिसे बोलते हैं, दीप्ति कलिता, फोटो पेरियोड्रम्स क्या होते हैं इसको पढ़ के जाएंगे। और बाकी ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाएंगे। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन लास्ट में पढ़ के जाएंगे जिसे कहते हैं क्रैप्स चक्र। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि 100 भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आप इनको पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। याद कर लेना, रट लेना इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।